तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको 13,000 के अंदर में मिल जाएंगे। और ये तीनों स्मार्टफोन ऑलराउंडर स्मार्टफोन होने वाले हैं, यानी कि इनका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, इनका बैटरी भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको, बैटरी बैकअप और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, जिससे कि आप लोग गेम वगैरह भी कर सकते हो, गेम वगैरह भी प्ले कर सकते हो। यानी कि ऑलराउंडर ये स्मार्टफोन होने वाले हैं 13,000 के अंदर में। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं तीनों स्मार्टफोन के बारे में। आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहता है। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो मैंने तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन रखा है, ये है मोटो की तरफ से मोटो G52। और कमाल की बात ये है कि जब मैंने इसका प्राइस जाकर के जब चेक किया तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मेरे को केवल मिल रहा था 12,000 रिवेबल लाइन में। आप लोग प्राइस देख सकते हो, 13,000 में आपको मिल रहा था 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट। तो क्या कुछ इस फोन में खास मिलता है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। इस फोन के डिस्प्ले में आपको मिलता है 6.6 इंचेस की POLED वाला पैनल और इसमें आपको मिल जाता है 90Hz का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल काफी बढ़िया दी गई है, POLED डिस्प्ले मिल जाता है आपको इस प्राइस रेंज में और 90Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है, तो काफी अच्छी बात है। और बात करते हैं फोन के बैटरी सेटअप के बारे में, तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है और उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में दिया हुआ है 33W का फास्ट चार्जर, जो कि फोन को आराम से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। और नॉर्मल यूजेस पे आपको 1 डे का बैकअप मिल ही जाएगा, क्योंकि 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है। और कैमरा सेटअप की बात कर ले तो बैक के साइड में दिया हुआ है फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें कि 50MP का, 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का माइक्रो कैमरा दिया हुआ है। और इसके मेन कैमरे से आप मैक्सिमम फुल HD 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और फ्रंट में सेल्फी कैमरे की बात कर ले तो 16MP का 16MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, जिससे कि आप मैक्सिमम फुल HD 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और कैमरा में सारे फीचर दिए गए हैं, वहाँ पर भी कोई कमी नहीं है, तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा है इस फोन का। और प्रोसेसर की बात कर ले तो इस फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि है स्नैपड्रैगन 680 और ये काफ़ी बढ़िया चिपसेट है, गुड चिपसेट है। ये चिपसेट आपको नॉर्मल यूज पर कोई लाइक और इशू नहीं लेकर आएगा, डे टू डे लाइफ यूजेस में बिल्कुल ही आपका आसान एक्सपीरियंस रहेगा, नो प्रॉब्लम वहाँ पर आएगा। और बात करें गेम वगैरह की, तो आप लोग बैटल ग्राउंड्स गेम वगैरह भी मीडियम सेटिंग तक प्ले कर पाएंगे, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा ये फोन। तो ओवरऑल ये फोन में भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। जब बात करते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो मैंने दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन रखा है, ये रियलमी की तरफ से रियलमी 10 और इसका प्राइस जाकर के मैंने जब चेक किया तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको मिल रहा था 13,000 ट्रिपल लाइन में, यानी कि 14,000 में कोई मिल रहा था। लेकिन इसका आप लोग अगर बैंक वगैरह का ऑफर लगाते हो तो ये फोन आपको 12,000 में ही मिल जाएगा। बात करते हैं कि इस फोन में आपको क्या कुछ खास मिलता है, तो 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED वाला पैनल दिया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्राइस रेंज में आपको AMOLED पैनल दिया हुआ है, सुपर AMOLED पैनल, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बात करते हैं फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में, तो साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि काफ़ी फास्ट फोन को अनलॉक करता है। 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया हुआ है, जो कि आप लोग कान वगैरह में ईयरफोन लगा करके गाने सुन सकते हो। और 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है, इसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में मिल जाता है 33W का फास्ट चार्जर, जो कि फोन को आराम से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। और नॉर्मल में जिस पे आपको 1 डे का बैकअप मिल जाएगा, तो बैटरी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके फोन में दिया हुआ है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें कि 50MP का मेन कैमरा, 2MP का माइक्रो कैमरा दिया हुआ है। और इसके मेन कैमरे से आप मैक्सिमम फुल HD 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और बात कर ले फ्रंट में सेल्फी कैमरे की भी, तो 16MP का 16MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और इससे भी आप मैक्सिमम फुल HD 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और प्रोसेसर की बात कर ले तो इस फोन में MediaTek का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि है MediaTek Helio G99 और ये एक 4G चिपसेट है। अभी जो मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन में बताया ये 4G फोन है, तो ये भी 4G चिपसेट है, इसमें लगा हुआ 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर बना हुआ है, यानी कि आप लोग इसमें गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। ये प्रोसेसर जो है गेमिंग के लिए अच्छा है, आप लोग इसमें बैटल ग्राउंड्स गेम वगैरह जो है मीडियम टू हाई सेटिंग तक आप लोग थोड़ा बहुत प्ले कर पाओगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी ये फोन आपको डे टू डे लाइफ यूजेस में कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा, तो ये फोन भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
गाइस जब बात करते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो मैंने पहले नंबर पे स्मार्टफोन रखा है, ये एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है और 5G स्मार्टफोन भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फोन है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। और ये इसका प्राइस जाकर मैंने जब चेक किया तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको मिल रहा था 13,000 में, यानी कि 14,000 में आपको ये मिल रहा था 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट। लेकिन इसका भी अगर आप लोग बैंक वगैरह का ऑफर लगाते हो तो ये फोन भी आपको 12,000 के आसपास में पड़ जाएगा, या फिर ऑफर वगैरह चलता है तो उस टाइम पे भी आपको ये फोन 12-13 हज़ार में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि एक 5G फोन भी है और नॉन चाइनीज स्मार्टफोन भी है, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्टार्ट करते हैं फोन के डिस्प्ले की क्वालिटी से, तो 6.6 इंचेस की एक TFT डिस्प्ले दी हुई है और इसमें आपको मिल जाता है 120Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट, 120Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है, तो डिस्प्ले की में कोई कमी नहीं है। ये गेमिंग वगैरह में आपका हेल्प करेगा और यहाँ पर ना ही LCD डिस्प्ले दी हुई है और ना ही AMOLED पैनल दिया हुआ है, TFT डिस्प्ले दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, तो डिस्प्ले में आपको कोई कमी नहीं मिलेगा, डिस्प्ले का क्वालिटी बढ़िया है प्राइस के अनुसार से। और बात करते हैं बैटरी सेटअप के बारे में, तो इसमें फ़ोन में मिलता है आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी, और उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में दिया हुआ 25W का 25W का फास्ट चार्जर, जो कि फ़ोन को आराम से 2 घंटे के आसपास में फुल चार्ज कर देगा। और नॉर्मल यूजेस पे आपको 1 डे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कैमरा सेटअप की बात कर ले तो बैक के साइड में दिया हुआ है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें कि मेन कैमरा 50MP का, 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का माइक्रो कैमरा दिया हुआ है। और इससे आप मैक्सिमम 4K 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्मार्टफोन आपको बताया पीछे, ये दोनों 4G फोन थे, लेकिन ये 5G फोन भी है और इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इसमें आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps में। और फ्रंट में सेल्फी कैमरे की बात कर ले तो 8MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, और इससे भी आप मैक्सिमम फुल HD 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी कैमरा में सारे फीचर दिए गए हैं, वहाँ पर भी कोई कमी नहीं मिलेगा, तो कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। फाइनली प्रोसेसर की बात कर ले तो इस फोन में काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 750G, और ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है। इसमें आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और बैटल ग्राउंड्स गेम वगैरह भी यहाँ पे हायर सेटिंग तक प्ले कर पाएंगे, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा ये फोन। ओवरऑल इस फोन का प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया है, डे टू डे लाइफ यूजेज में बिल्कुल मक्खन वाला एक्सपीरियंस रहेगा आपको, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस यार, ये रहा तीनों स्मार्टफोन की मैंने आपको बता दिया, तो तीनों स्मार्टफोन आपको जो है 13,000 के अंदर मिल जाएंगे, ऑफर वगैरह का लगेगा। तो गाइस यही होगा कि अपना वीडियो अच्छा लगा होगा।